Hey, what's up guys, this is Pace, and in this video I'm going to show you the best Magisk module of 2020. So before proceed, if you haven't subscribed us and also hit the bell icon to get notification about all of future videos. Now for the net, let's get started. And before proceed, make sure your mobile is rooted with the Magisk manager. And कुछ modules को आप directly download कर सकते हो Magisk के download section से, and कुछ module के लिए आपको जाना पड़ सकता है कुछ exit thread वगैरह पे, और सबके links मैं दे दूंगा description पे, so make sure to check out our description also. So first module in our list is Viper for Android. Viper for Android एक ऐसा Magisk module है जिसे आप directly download and install कर सकते हो download section Magisk के download section से, and इसे install करने के बाद यहाँ पे आपको एक APK देखने को मिल जाएगा Viper for Android FX. And with the help of this APK, you can literally control everything related to audio in your mobile. आप यहाँ पे आपका बेस कंट्रोल कर सकते हो, ट्रेबल कंट्रोल कर सकते हो, ईयरफोन से लेकर स्पीकर तक पूरा कंट्रोल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है. नेक्स्ट मॉड्यूल इन आवर लिस्ट इज YouTube Vans. YouTube Vans एक ऐसा YouTube का मॉडर्न वर्जन है, एंड इसे आप यूज़ कर सकते हो. इससे अगर आपका YouTube प्रीमियम है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, आपके ऑफिशियल अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. बट इसमें आपको कुछ YouTube के इनहेंस फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं. आपको इसमें ब्लैक थीम वगैरह देखने को मिल जाती है, बैकग्राउंड प्ले देखने को मिल जाता है, और कुछ कुछ एडवांस फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है. तो इसे बस आपको Magisk के मॉड्यूल सेक्शन से फ्लैश कर लेना होगा मॉड्यूल को, देन यू हैव टू इंस्टॉल अ APK. यू कैन इंस्टॉल दिस APK फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम YouTube Vans ऑफिशियल वेबसाइट, एंड दैट्स इट. आप YouTube Vans के प्रीमियम फीचर्स, आई मीन कुछ एडवांस फीचर्स को यूज कर सकते हो. यहाँ पे आपको डार्क थीम वगैरह देखने को मिल जाएगी, बैकग्राउंड प्ले देखने को मिलेगा, और भी कई सारे इसमें फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं. सो नेक्स्ट मॉड्यूल इन अवर लिस्ट इज Oxify. विद द हेल्प ऑफ दिस मॉड्यूल यू कैन कन्वर्ट एनी डिवाइस टू ऑक्सीजन OS. यहाँ पे आप रोम वगैरह फ्लैश नहीं करोगे, बट इस मॉड्यूल की हेल्प से आपके मोबाइल में वन प्लस का कैमरा, गैलरी, साउंड, स्क्रीन रिकॉर्डर, वेदर, और साथ ही साथ यहाँ पे आप वन प्लस का लॉन्चर वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हो. आपको बस ये मॉड्यूल फ्लैश करना होगा, ये आपके मोबाइल को पूरी तरह से ऑक्सीजन OS में कन्वर्ट कर देगा. पूरी तरह से नहीं, लगभग आपको सारे फीचर्स यहाँ पे आपको ऑक्सीजन OS के देखने को मिल जाएंगे. तो इसे भी आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो Magisk के डाउनलोड सेक्शन से. मेरा डिवाइस ऑलरेडी ऑक्सीजन OS का है, वन प्लस 7, सो मैं इसे फिर से फ्लैश करके नहीं बताऊंगा. नेक्स्ट मॉड्यूल हमारी लिस्ट में है ऑक्सीजन OS जेस्चर बार फॉर AOSP. आपने जेस्चर बार को नोटिस किया होगा दूसरे डिवाइस में, जो जेस्चर बार होता है वो काफ़ी छोटा सा होता है, बट ऑक्सीजन OS में ये जो जेस्चर बार है ये नीचे यहाँ पे थोड़ा जेस्चर बार थोड़ा बड़ा सा होता है. तो अगर आपको इस बड़ा सा कोई सा ऐसा जेस्चर बार चाहिए आपको वन प्लस वाला, तो आप इस मॉडल को फ्लैश कर सकते हो किसी भी AOSP डिवाइस में या फिर किसी भी एंड्रॉयड 10 डिवाइस में, एंड आप स्टॉक एंड्रॉयड जैसा जेस्चर बार या फिर ऑक्सीजन OS जैसा जेस्चर बार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा. नेक्स्ट मॉडल जो है क्लाउडफेयर DNS. इस मॉड्यूल को आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो Magisk से, या फिर आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो इसके APK के थ्रू. इसका एक APK भी आता है 1.1.1.1, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस मॉड्यूल आप इंटरनेट पे कंप्लीटली हाइड हो सकते हो. आई मीन आप किसी भी ब्लॉक वेबसाइट को ओपन कर सकते हो, और साथ ही साथ आपका डेटा एक्चुअली हिडन रहेगा. आपका जो भी डेटा ट्रांसमिट होगा सर्वर, किसी भी सर्वर पे, किसी वेबसाइट के सर्वर पे, वो सारा डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है, तो आपका डेटा डिस्क्लोज नहीं होगा एक्चुअली, एंड आप यहाँ पे इंटरनेट पे सेफ और सिक्योर है. अगर आप रूटेड नहीं हो तो आप 1.1.1.1 का APK भी डाउनलोड कर सकते हो और इसे भी इंस्टॉल कर सकते हो, और ये सेम वर्क करता है रूटेड यूजर के लिए बाय डिफॉल्ट. अगर आपके मोबाइल में इंटीग्रेट करना चाहते हो DNS को, तो आप Magisk मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकते हो. तो काफ़ी यूजफुल मॉड्यूल है, ट्राई करना. नेक्स्ट मॉड्यूल हमारे लिस्ट में गेमर्स के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा, जो कि है LSpeed. LSpeed बेसिकली आपको Magisk के डाउनलोड सेक्शन में देखने को नहीं मिलेगा, बट यू कैन डाउनलोड दिस मॉड्यूल फ्रॉम द XDA थ्रेड, एंड दिस इज द ऑफिशियल थ्रेड, एंड यू कैन जस्ट गो टू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, देन गो टू दिस XDA, देन यू कैन जस्ट डाउनलोड देयर Magisk मॉड्यूल एंड फ्लैश इट इन योर एंड्रॉयड डिवाइस, एंड दैट्स इट. LSpeed करता क्या है? LSpeed आपके डिवाइस में परफॉर्मेंस बूस्ट प्रोवाइड करता है. आपको इसका Magisk मॉड्यूल भी इंस्टॉल करना होगा और आपको APK भी इंस्टॉल करना पड़ेगा. इसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके मोबाइल में आप पावर सेविंग मोड, बैलेंस मोड, परफॉर्मेंस मोड, सभी मोड में कन्वर्ट कर सकते हो आपके मोबाइल को. आई मीन अगर आप गेम वगैरह खेल रहे हो, पबजी वगैरह, तो ये आपके डिवाइस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है. अगर आपको बैटरी वगैरह बचानी हो तो आप बैलेंस मोड पर सेट कर सकते हो, पावर सेविंग मोड पर सेट कर सकते हो, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी. द लास्ट मॉड्यूल इन आवर लिस्ट इज ARCore FE Playground. एंड्रॉयड 10 और 9 में काफ़ी ऐसे ARCore के सपोर्ट देखने को मिल रहा है,
बट स्टिल कुछ डिवाइस में आपको AR Core का सपोर्ट देखने को नहीं मिला। Android 9 डिवाइस भी है, Android 10 डिवाइस भी है, जिसमें आपको अभी तक AR Core का सपोर्ट देखने को शायद नहीं मिला होगा। अगर आपका डिवाइस AR Core, आपके डिवाइस में अगर AR Core का सपोर्ट नहीं है, तो आप इस पर इंस्टॉल कर सकते हो इस मैजिक मोबाइल को। आप डायरेक्टली जाकर इंस्टॉल कर सकते हो डाउनलोड सेक्शन के, मैजिक के डाउनलोड सेक्शन से। एंड उसके बाद आपको डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले का AR सर्विस प्ले स्टोर से, आप इसे इंस्टॉल कर लो एंड दैट्स इट। देन आप AR एप्स को इंजॉय कर पाओगे। अब आप कुछ भी प्ले स्टोर से कुछ भी AR एप्स इंस्टॉल करो एंड उनको आप यूज़ कर पाओगे। तो गूगल प्ले AR सर्विस के कुछ मॉडल में बाई डिफॉल्ट इनेबल नहीं होता है, बट विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल यू कैन इनेबल गूगल प्ले AR सर्विसेज। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक AR एप्लीकेशन है जिसमें आप ऑगमेंटेड रियलिटी को आप देख सकते हो, जिसका इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे आप बहुत सारे एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे देखने को मिल जाएंगे। So guys, that's it for this video. I hope you like it. Don't forget to do subscribe and also hit the bell icon to get notifications about all of future videos. And this is the best sign out. Meet you soon in next video.